क्या लड्डू बटने लग गए हैं विद ऑल द इंग्रेडिएंट्स करके डालेंगे। अगर बाद में कुछ कम लगेगा तो एक्स्ट्रा डाल देंगे। ये देसी शक्कर से बनाने। सो हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू। और हमारा जो थाल है आज का वो रेडी हो चुका हुआ है। सो वेलकम टू यू ऑल कि हम आ चुके हैं घर पे। घर पहुंच के बहुत अच्छा लगा, लेकिन यहाँ पे तैयारियां हो रही है बहुत जोरदार। सो दिखाती हूँ कि किचन में मम्मा कुछ खास बना रहे हैं हमारे लिए, क्योंकि हमारा प्लान आपको बताया ही है कि हम जल्दी से यहाँ से रवाना होने वाले हैं, क्योंकि बहुत कुछ नया आपके लिए आने वाला है। सबसे पहले चलते हैं मम्मा के पास कि वो क्या नया करें। Here we come। बहुत हेल्दी होंगे मेरे बच्चे, सर्दी में बाहर जा रहे हैं इसलिए मैं बना रही हूँ उनके लिए। गुड इवनिंग मामा। गुड इवनिंग। क्या बना रहे हो फिर आज? नमस्ते सबको, मैं आज बना रही हूँ बच्चों के लिए गोंद के लड्डू। उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगी, जिन लोगों ने मेरे बच्चों को अपने घर में रखा, हमसे भी ज्यादा प्यार दिया उनको, कोई अपना भी इतना नहीं कर सकता जितना उन लोगों ने किया, मैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब मैं मतलब अपने बच्चों को मिलके बहुत खुश हूँ। अब ये आगे के लिए रवाना होने वाले हैं तो इनकी तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं जाने के लिए। सो हमारी कैंपिंग की तैयारी जोर शोर से चल रही है, सब समझ रही हो। अगर लड्डू बन रहे हैं तो हम कितनी जल्दी यहाँ से निकलने वाले हैं। सो मम्मी से पूछते हैं कि वो क्या स्पेशल बना रहे हैं और उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट है, पूरी रेसिपी के साथ आपको बताएंगे। जी मम्मा, तो आप सबको बताओ कि क्या बना रहे हो और क्या क्या स्पेशल होने वाला है उसके अंदर। मैं बच्चों के लिए बनाने जा रही हूँ गुड़ के और शक्कर और मतलब गोंद के लड्डू। बहुत ठंड है बाहर तो ठीक है, आओ आप देखिए हम क्या सामान लेने वाले हैं इनके लिए। आओ फिर वन बाय वन क्या क्या है। मैंने ये देसी शक्कर से बनाने मैंने लिए हैं बादाम, आलमंड्स, ठीक है जी, और साथ में लिए हैं ये काजू, अजवाइन। अच्छा मसाले भी डालोगे? हाँ जी, ये सर्दी के लिए, ये सर्दी नहीं लगती इन मसाले डालने से। सही है जी मेरे, है ना। ये क्या है? ये हम डाल रहे हैं कमरकस, जो कि अच्छा। बच्चों को बॉडी को हेल्दी वार्म रखता है। ये हम काली मिर्च भी डालेंगे, थोड़ी सी डालेंगे बिल्कुल। ये गोंद है, मैंने पीसी हुई गोंद ली है। अच्छा हाँ जी, ये मैंने 200 ग्राम गोंद ली है। जी तो इसके बाद हम डालने वाले हैं सौंफ, इसके बाद हम डालेंगे इसमें सौंठ पाउडर। अच्छा 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 जी, जो बहुत हेल्दी रहता है, बच्चों को अच्छा लगेगा। और ये आपने क्रश कर दिए? ये हमने क्रश कर दिए हैं, ये वाले मैंने पहले क्रश कर दिए तो मैं आपको साबुत नहीं दिखा पाई थी। कल को जो बनाएंगे उसके लिए रखे हैं मैंने। अच्छा कल के लिए भी कुछ है? हाँ जी, कल हम चीनी वाले बनाएंगे। अच्छा उसमें हम खोआ भी डालेंगे। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो ये मैंने ये मतलब आधा किलो के करीब मैंने डाले हैं साबुत वाले। जो साबुत वाले होते हैं इसमें ऑयल बहुत ज्यादा होता है, एकदम फ्रेश और नेचुरल रहता है ये, तो हम टूटी हुई वो नहीं डालते, ठीक है जी। तो ये मैंने किशमिश, ये रेजिन आ गए। हाँ जी मम्मा, ये खसखस है जी, खसखस। जो इसको पॉप सीड्स बोलते हैं, पॉपी सीड्स। देखिए मतलब पॉपी सीड्स ऐसे तो बदनाम है, लेकिन ऐसे देखो एज अ मेडिसिन दे आर वेरी हेल्दी। तो इसमें मैं थोड़ा बेसन भी डालूंगी। अच्छा हाँ जी, बेसन भी डालूंगी। तो इसके बाद मैं आपको बता दूं कि मैंने इसका मेन इंग्रेडिएंट है जी आटा, ठीक है जी, आटा डालेंगे। साथ में मैंने ये 2 किलो घी लेके रखा है। अच्छा, प्योर वाला घी है, मैंने गांव से मंगवाया है। वाह हाँ जी। तो अब हम अपना आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। हम लोग हैं देसी और काम करते हैं हम देसी स्टाइल में एकदम। सो देखो मम्मा ने बिल्कुल गैस चूल्हे को नीचे उतार दिया यहाँ से, और नीचे बैठ के अब हो रहा है काम। सबसे पहले करेंगे घी को गरम और इसके अंदर थोड़ा घी बचाया है। अच्छा बाद में जरूरत पड़ेगी तो हम। हाँ क्योंकि जब पिनियों को लड्डू बनाते हैं ना, इनको एक्चुअली पंजाबी में पिनिया कहते हैं, लड्डू बनाते हैं ना, तो फिर ये काम आती है। अगर बाद में कुछ कम लगेगा तो एक्स्ट्रा डाल देंगे, इसलिए वो थोड़ा सा बचा दिया। और ये घी पहले होगा और उसके अंदर भूना जाएगा ये आटा, और जैसे आटा भूनता है बेसन। ओके जी,
थले रख दूं मैं सारा कुछ? हाँ, की करना है? नहीं, अभी चाहिए कुछ। ठीक है, सो मम्मा ने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है और भूनने में तो आपको पता ही बहुत टाइम लगता है, सो बस थोड़ा सा 35 मिनट बाद। हाँ, 40 मिनट बाद मिलते हैं। सो बस अब भूनते हैं आटा और देखिए कैसे बनते हैं पंजाब की गोंद के लड्डू या पिनिया। अरे यहाँ तो कुक भी चेंज हो गया, बट मैं तो कुछ और छोड़ के गई थी, ये क्या हो गया मम्मा? तो देखो ना, इसको अब हमने पहले आधा घंटा फुल गैस पे सेका। अच्छा, हाँ, तो उसके बाद 10 मिनट हमने इसको कम गैस पे। अच्छा, सिम पे। हाँ, क्योंकि ये थोड़ा भी तेज हो जाए ना, थोड़ा फिर वो अच्छी नहीं बनती है, ठीक है ना? अच्छा, तो कम गैस पे भूनना भी इसको बहुत जरूरी है। अब देखो ये पूरा रेडी हो चुका है, घूम रहा है ना घी, इसने है ना हलवे की तरह पूरा रेडी हो गया। और ये जो मावा है ये कब डालना है? अब ये हम डालेंगे, देखो अभी हम इसमें ये गोंद है हमारे पास। अच्छा, तो हम इस घर के डालेंगे ये चीजें रहती है इसमें कमरकस, ये हम करें ये साथ ही साथ में इसमें रोस्ट हो जाएंगे जैसे, है ना, जवाइन। अच्छा पाउडर डाल दिया, दो चम्मच जितना ना सौंठ पाउडर डालेंगे हम, कम इसलिए डालते हैं बच्चे लोग कम खाते हैं ना। अब आ गया टाइम बादाम का, इससे एकदम क्रंची टेस्ट इसके अंदर बढ़ जाता है। हाँ जी, ये और ऐसा है ना कि ये काम जो है ना ये इतना मेहनत वाला काम है कि एक इंसान से नहीं हो सकता, दो लोग इसमें डेफिनेटली चाहिए और आज तीन, क्योंकि मुझे शूट करना था इसका वीडियो प्रॉपर। और रेजन्स, तो अब टाइम है जो मम्मा ने, मम्मा क्या बोलते हैं उसको? उसको हम बोलते हैं बंद गुट। बंद गुट। बखा देंगे पाना। और अब डालेंगे इसके अंदर पॉपी सीड्स, लेकिन जो इसमें मिठास कैसे आएगी मम्मा? हाँ, तो इसमें हम डालेंगे ना इसको थोड़ा ठंडा करेंगे 10-15 मिनट तक। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे थोड़ा कोसा कोसा हो जाएगा, रह जाएगा ना। अब इसको मिक्स करके फिर हम इसके लड्डू बनाएंगे। हियर इज द फाइनल इंग्रेडिएंट, शक्कर, इससे बढ़ेगी मिठास खाने में और आपके जीवन में। क्या लड्डू बटने लग गए हैं, जिस जिसने खाने कमेंट करके बता दो। तो मासी भी हेल्प करा रहे हैं, पापा भी कर रहे हैं, मम्मी भी, और अब बस मैं भी शुरू करती हूँ। सो लड्डू खाने के लिए रेडी हो जाइए। विद ऑल द इंग्रेडिएंट्स लाइक रेवड़ियाँ, गच्चक, मूंगफलियाँ, मुरमुरे, जो मुझे पसंद नहीं है, बट हाँ अगर ये प्रसाद की चीजें हैं तो हाँ ये सब रेडी हो गई है। और अब दिखाते हैं आप, और यहाँ पे हो रहा है बॉनफायर। सो तैयारी हो चुकी हुई है आकाश के ये पुराने नुस्खे। सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बाप मैं छोड़ूंगा थोड़ा। ये हमारी लोड़ी की फेस्ट बेस्ट फीस है भाई। सो हमारा सफल हो गया, ये आज आ गई, तो हम कल सुबह यहाँ से भी जा रहे हैं। So, ये कसम से ये बात तो अब मतलब रीत बनती जा रही है। 60 दिन में इतने 2 दिन से नहीं दिखी है हमें। हाँ। 2 दिन बाद दिख गई मिस्टी। इनका लाल रख लेना, किन्ने 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 चक्के वीडियो च याद रहेगा। आप इधर हो जाओ, वैसे अरे चेक लो, आप किसके साथ शेयर करोगे? आप तो है ना, मैं लबी है ना, आया ओ
सोच के चक्यो वीडियो बनी होंगी।